वाले दिन इंग्लैंड दे विच लापता हुए नौजवान की मृतक दे बरामद हुई है। सूत्रां दे हवाले तो एक खबर सामने आ रही है कि उसका एटीएम कार्ड किसी दे वल्लों स्वाइप किया गया। पुलिस तक की जानकारी पहुंची, पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो व्यक्ति मृतक नौजवान की लाश तक पुलिस को ले गया। हालांकि परिवारिक मैंबर ने इस बारे दे विच कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं की है। जलंधर का रहने वाला सी नौजवान जिहड़ा 2 साल पहला इंग्लैंड गया सी, पर अपने जन्मदिन वाले दिन उसने मापिया नू वीडियो कॉल की, अपना आखिरी बर्थडे मनाया अते उस तो बाद हुण झील दे किनारे उसकी लाश बरामद हुई है। तो दस दईए कि जन्मदिन मौके लापता हुआ सी नौजवान लंडन की झील चो इसकी लाश मिली है। लंडन पुलिस ने परिवार को यह जानकारी दी है। जलंधर का रहने वाला सी गुरशमन सिंह जड़ा अपने जन्मदिन वाले दिन यानी 15 दिसंबर नू लापता हो गया सी। 2 साल पहला स्टडी वीज़ा ते इंग्लैंड गया सी अते उत्थों दी लोफरो यूनिवर्सिटी दे विच पढ़दा सी। एटीएम कार्ड स्वाइप होण ते पुलिस ने एक व्यक्ति नू हिरासत दे विच लिया ते ओह व्यक्ति पुलिस नू मृतक नौजवान की लाश तक लै गया। हालांकि परिवारिक मैंबर ने इस दे बारे दे विच कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की है। परिवार इस हाल दे विच ही नहीं है कि वह कुछ बयान कर सके। उत्थे ही बीजेपी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार कोशिश कर रहे सन कि नौजवान नू लभ्या जावे ते उसनू पंजाब लियांदा जावे, मापिया नाल मिलाया जावे, पर सारिया कोशिशों तो बाद वह सफल नहीं हो सके। इस बाबत उन्होंने जानकारी भी फेसबुक के उत्ते एक वीडियो पा के सांझी की है कि कुछ कहना है बीजेपी आगू का, एक बार तुहानू वह भी सुना दिने। बड़ी ही दुखदाई खबर आ। जी एस भाटिया एक नौजवान जो इंग्लैंड अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर गए थे, लवब्रो यूनिवर्सिटी अंदर पढ़ रहे थे और पिछले 15 दिसंबर तो लापता से, असी सारे फॉलो कर रहे थे उन्होंने केस में। हुणे हुणे मैट्रोपोलिटन पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हां दी बॉडी कनेरी रैफ के आस पास एक लेक के अंदर मिली आ और उन्हां दा मनना है कि CCTV फुटेज के मुताबिक उन्होंने आप उहदे अंदर कुदे आ। इहदी जानकारी तो इन्वेस्टिगेशन पता लगेगी, पर बहुत ही सानू सारयां नू दुख होया इस गल नू जाण के। उन्हां दे माता पिता जिन्हां नू असीं बड़ा कल फॉलोअप करके विदेश मंत्री जी के माध्यम तो वीज़ा भी दवाया, रात की फ्लाइट लैके चल भी रहे और दुबई पहुँचे से, बहुत ही दुखदाई खबर सामने आई। मैं उस परिवार के नाल अपनी संवेदना व्यक्त करदा हां और उम्मीद करदा है कि विदेश मंत्रालय जल्दी उन्हां दी बॉडी नूं इंडिया लियाउण दा भी इंतजाम कराए और पिता मां बाप वास्ते बड़ी दुख की घड़ी, असीं सारे उन्हां दे इस दुख की घड़ी च उन्हां दे नाल खड़े हां।